आँखों का प्रॉब्लम गम का मेडिकल को लेके, अगर मेरा आँख कलर विजन से अगर मुझे चश्मा लगा हुआ है तो क्या नंबर लगेगा? क्या मैं गम का मेडिकल कराने जाता हूँ तो क्या मेरा गम का मेडिकल फिट होएगा कि नहीं, क्या वो अनफिट हो जाएगा? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स एंड माय नेम इज नीलेश राजपूत। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर आप गम का मेडिकल कराने के लिए, अगर आप गम का मेडिकल सेंटर आप जाते हो तो आपका जो आँख है, जो कलर विजन्स के रिगार्डिंग में जो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मेरा आँख है वो कलर विजन मेडिकल फिट होएगा कि अनफिट होएगा। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, जो गम का मेडिकल जो टेस्ट होता है, कुछ गम का मेडिकल का जो पैराग्राफ के देखा जाएगा दोस्तों, तो उनका कुछ सिस्टमेटिक रिक्वायरमेंट होती है गम का मेडिकल्स के लिए। अगर आप गम का मेडिकल कराने अगर आप जाते हो तो उसका एक लेबल्स होता है, ओके, मतलब आपको एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में के अंदर पूरा लिखा हुआ रहता है कि आपको एक्स वाई जेड आपका जांच होएगा, इतना आपका रहेगा आँख की रिक्वायरमेंट, उस पर लिखा रहेगा इतना नंबर आपका रहेगा तो आपका मेडिकल फिट होएगा, अगर ये नंबर आपका नहीं रहेगा तो आपका मेडिकल अनफिट हो जाएगा। जैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे गम का मेडिकल के अंदर 6x6 एंड 6x9, अगर ये नंबर अगर आपको है, ओके, विदाउट चश्मा और चश्मा लगा के अगर ये नंबर अगर आप बता देते हो तो आपका मेडिकल यहाँ पे फिट हो जाएगा। अगर आप चश्मा लगा के, आप बिना चश्मा का अगर आप इस चीज को नहीं बता पा रहे हो तो आपका मेडिकल यहाँ पे अनफिट हो सकता है और होता भी है। तो ये गम का मेडिकल का रिक्वायरमेंट होता है 6x6 एंड 6x9। जब आप गम का मेडिकल सेंटर आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारा चीज का आपका मेडिकल टेस्ट होता है, तो उसमें आँख का भी जो टेस्ट होता है उसमें इस चीज़े का रिक्वायरमेंट होती है, इस नंबर का, ओके। तो कलर विजन को लेके जो लोगों का जो प्रॉब्लम्स होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। नॉर्मल अगर कलर विजन है तो आपका मेडिकल फिट हो जाएगा, ओके, अदरवाइज यहाँ पे आपका मेडिकल पेंडिंग में चला जाएगा, ओके। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको कलर विजन्स का प्रॉब्लम है तो आपको कोई आई स्पेशलिस्ट से आपको मिलना है, उसके बाद इसका आपको क्या करना है, दवा कराना है, ओके। जब इसका आप दवा कराओगे, ओके, जब आपका ये थोड़ा बहुत सही हो जाएगा, ओके, सही होने के बाद जब आप मेडिकल करवाने जाओगे तो आपको फिट का रिपोर्ट मिलेगा। आपको सिंपल सा मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, कलर विजन में नॉर्मल कलर विजन रहेगा तो आपको फिट का रिपोर्ट मिलेगा, अगर आपको नॉर्मल कलर विजन नहीं है आपका यहाँ तो आपको अनफिट का रिपोर्ट दे दिया जाएगा। तो इसके लिए आप मेडिसिन लेके आप इसे खा लीजिए और आपको मतलब आपका आँख जब सही हो जाए उसके बाद आप गम का मेडिकल करवाने जाइए, क्योंकि कुछ ऐसे जो वर्क्स होते हैं दोस्तों जिसके अंदर आपका बहुत ही हैवी टेस्ट होता है, ओके, अगर आपका वो आपका टेस्ट अगर उस काम के लिए अगर नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि क्रैन ऑपरेटर होता हैवी मशीनरी ऑपरेटिंग का जो जॉब होता हैवी ड्राइवर का काम होता है, तो ये सब चीजों में दोस्तों आपका टेस्ट का डिटेल्स में किया जाता है, ओके। तो कलर विजन को लेके जो भाई लोग का प्रॉब्लम था, अगर आपका नॉर्मल है तो आपका फिट हो जाएगा, अगर चश्मा लगा के विदाउट चश्मा जो नंबर मैंने आपको बताया 6x6 एंड 6x9, अगर आप इसे बता देते हो तो आपका मेडिकल फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक गम का मेडिकल का रिक्वायरमेंट होता है, कोई मतलब है अपना बना के कोई नहीं बोलता है, ओके, क्योंकि जीसीसी कंट्री के अंदर अगर आप आओगे तो इस नंबर का आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर इस चीज़ों को आप बता दे तो आप तो फिट है, आप बिंदास आइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आपको मान लीजिए आपका वीजा मिल गया है, ओके, वीजा मिलने से पहले आप एक मेडिकल करवा लीजिए, नॉर्मल मेडिकल करवा लीजिए आपका। अगर आपको मतलब ये प्रॉब्लम है तो आप मतलब अपना पैसा वेस्ट मत करिए ना, क्योंकि आप गम का मेडिकल कराने जाओगे तो गम का मेडिकल का थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, ओके। तो आपका यहाँ पे रिपोर्ट क्या होएगा, अनफिट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या होएगा, 6 महीना 3 महीना आपको वीजा भी नहीं मिलेगा, आपको बैंड हो जाएंगे, ओके। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये नंबर आपको है तो आप फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो 6x6 एंड 6x9 जो है, ये चश्मा लगा के भी आपको बताना है, विदाउट चश्मा भी आपको बताना है। आई होप जो डाउट्स आप लोग का रहा होगा कलर विजन्स को लेके, आप लोग का डाउट आप लोग का क्लियर होगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो, जब भी मैं फ्री होगा तो पूरा इन्फॉर्मेशन देने की मैं आप लोग को आपका मैसेज का रिप्लाईमेंट देने का मैं कोशिश करूंगा, ओके।